नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स में हमें बाय या सेल करना है, प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपनी खुद की एक यूट्यूब वीडियो को आपको शो कर रहा हूँ। ये मैंने आज ही अपलोड करी है 2nd of September को। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि मैं अपना जो कोर्स लेकर आने वाला हूँ, प्लस जो भी मैं स्टॉक्स बाय करता हूँ और जो भी आपकी क्वेरीज होती है स्टॉक से रिलेटेड, अगर आपने कोई शेयर बाय कर लिया या सेल कर लिया, तो वो सारी चीज़ों का जो एक आंसर था वो आंसर इस वीडियो पे आपको मिल जाएगा। सारी आंसर्स आपको इस पे मिल जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। जाके देखिए, अब वीडियो का टाइटल है टाइम हैज़ कम टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट, ज्वाइन दिस कम्युनिटी। तो हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वीडियो शो करेगी, जर्नी स्टार्ट्स टू बिकम एन एक्सपर्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। ये इस तरीके की वीडियो आपको शो करेगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम सीधा बढ़ते हैं अपने स्टॉक्स एनालिसिस पे। सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ नौसिल इंडिया। हमारा सबसे पहला स्टॉक है नौसिल लिमिटेड। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो ब्लू कलर का एक डिमांड जोन है, ठीक है। अब ब्लू कलर का जो डिमांड जोन है वो हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर था, सेकेंड टाइम सेलिंग प्रेशर, थर्ड टाइम सेलिंग प्रेशर एंड फोर्थ टाइम सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट होते हुए देखा था, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लेरिफाई है। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा नीचे आया, रीटेस्ट करा एंड दोबारा अप मूव दिखा रहा है, ठीक है। तो 130.45 के ऊपर जब ये निकलेगा तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है, इसके ऊपर जब ये निकलेगा एक अच्छी बाइंग आ सकती है। हम ये टारगेट और ये टारगेट लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक को पर्टिकुलर हमने होल्ड बाय के लिए सलाह दी है, क्योंकि एक ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट आया और रीटेस्ट से रिवर्स कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आता है HAL। HAL बाय करने की सलाह दी जाएगी आप लोगों को। ये कहीं और का HAL खुल गया है। हिंदुस्तान ये एक्चुअल बाय करने की अब आप लोगों को सलाह दी जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या और रीजन क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने जूम आउट करा तो मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो बना रखा है बॉटम टू टॉप तक का। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बन रहा है, एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो है। और अगर आप इसका वीकली चार्ट ओपन करेंगे तो ये हायर हाईज ही बना रहा है। सो मतलब ये पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड है वो बुलिश है। और आप देख सकते हैं कि अपमूव आते एक फॉल आते एक अपमूव आते एक फॉल आते एक अपमूव आते एक फॉल आती है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का एक फिबोनाची बनाऊंगा तो जो फॉल आती है वो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल तक होती है। इसका भी जो ये फॉल आया वो भी 78% तक का है। तो अब इसका जो फॉल आया है वो 78% से थोड़ा कम है, बट अब रिकवर कर सकता है क्योंकि ये डबल बॉटम का सिनेरियो हो चुका है। तो हम इसको एक बाय के लिए बना सकते हैं, कल इसमें इंट्राडे में मूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट आता है MEGH। ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने क्यों रिकमेंड करा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ये स्टॉक मैं आप लोगों को पहले भी एक बार रिकमेंड कर चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका भी सेम है रेजिस्टेंस, ये रेंज थी, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, दोबारा नीचे आया, रेंज पर रीटेस्ट करा, दोबारा रेंज के ऊपर बाहर चला गया और ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने भी अपनी बाय के लिए बनाई है, अराउंड 70.5 के आसपास हमने इसमें अपनी बाय की सलाह बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आप देख सकते हैं कि ये एक इंडिसाइसिव कैंडल थी, अब उसके बाद एक ब्रेकआउट आ गया, तो मतलब यहाँ से डायरेक्शन जो मूवमेंट थी वो डायरेक्शन की मूवमेंट की चेंज हो गया है। तो अब यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75 तक के लेवल्स हमें मिनिमम इस पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है CESE। CESE को आप देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि मैं जनरली अब ना थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, जो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है उसमें से मैं कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा ऐसा मूविंग एवरेज है जो ज़्यादातर सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे 35 का मूविंग एवरेज, EMA मूविंग एवरेज अभी तक सपोर्ट करते हुए अच्छा लगा है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आई,
एक फॉल आई, अब एक दोबारा रिकवर यहां से कर रहा है। अब देख सकते हैं एक शार्प फॉल के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके अगले दिन भी ग्रीन कलर की कैंडल बनी और अपसाइड में क्लोजिंग करी है, मतलब उसके क्लोज के ऊपर जाके इसने क्लोज करा है, तो एक बुलिश मूवमेंट होता है, बुलिश सिग्नल होता है, तो यहां से एक बाइंग आ सकती है कल सीईएससी के अंदर और ये भी एक अच्छी मूव दे सकता है। अगर मैं आप लोगों को यहां पर जूम करके दिखाता हूं तो यहां पर एक गाटले टाइप पैटर्न बना है, बियरिश बुलिश गाटले बना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करता हूँ, ये बॉटम था और ये हमारा टॉप है, ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है तो इस पर अभी आपको दिखेगा नहीं, बट इस जो ये फॉल आया ये 78% तक का है और उसके बाद हमने देखा एक अब रिकवरी आ रही है, तो इसको हम गाटले पैटर्न कहते हैं, जो एक हारमोनिक पैटर्न का है, तो वो मैं आप लोगों को अगली बार बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है इंडिको। इंडिको हमारे आज बाय रेंज में था, अराउंड हमने 12:30 के आसपास इस पर अपनी बाय की सलाह सोची थी, बट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोगों ने इसमें बाय क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न क्या था। आप देख सकते थे कि जब भी ये ब्रेकआउट देता था 1200 से, तो अपना ये 1230 तक जाता था, इधर भी 1230 तक गया था, इधर भी 1230, इधर भी 1230, मतलब ऊपर ब्रेक करता था, 1230 तक जाता था, फिर नीचे क्लोज कर जाता था, ठीक है। तो आज भी मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था अराउंड 1230 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, शायद दोबारा नीचे जा सकता है, अगर मुझे इस पर बाय की सलाह लग रही है, अगर ये क्लोज कर जाता है तो हम बाय बना सकते हैं। तो ये 1265 तक हुआ था उसके बाद और 1247 पे क्लोजिंग कर चुका है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाके ब्रेकआउट दे चुका है, तो उस पर भी कल एक मोमेंटम आ सकती है, अगर थोड़ा सा फॉल करता है तो हम एक बाय के लिए इसमें ही सलाह देखेंगे, शायद आफ्टरनून सेशन पे ये थोड़ा बहुत रिकवर कर जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस पर पैटर्न बना है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस से इसने यू शेप और उसके बाद एक कप का हैंडल था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था क्योंकि यहाँ पर पहले एक सपोर्ट लेता था, वही सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस बन गया, तो शायद यहाँ पर थोड़ा पॉज ले सकता है, बट अगर ब्रेकआउट देगा तो अच्छे लेवल हमें और एक्सपेक्ट करने को मिल सकते हैं। सो अब सीधा बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। आज मैं वीडियो थोड़ी लंबी और मतलब बहुत जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में क्या कहा था, या मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि हमारे लिए बाय का सिनेरियो तब होगा जब ये जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, ये क्लोजिंग, इस क्लोजिंग के ऊपर जब मार्केट बंद होती है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट बंद हो गई है, बट ये रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस मंडे का जो ट्यूसडे का रेजिस्टेंस था वही एग्जैक्ट हाई था, वही एग्जैक्ट आज वेडनेसडे का भी हाई है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल पे जो भी लेवल होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ज्वाइन का लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट दोबारा आ सकती है और दोबारा 11,800 के आसपास तक जाने की मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने अभी तक अपनी क्लोजिंग दी नहीं इस लेवल के ऊपर। मैंने कहा था कि अगर रेड कैंडल है तो तब भी इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। इसके ऊपर कल निकलता है तो एक इंट्राडे में 50-100 रुपये का एक ट्रेड बन सकता है, उससे ज़्यादा की मैं अभी सलाह नहीं दूंगा। बैंक निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग निफ्टी पर ट्रेड जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट स्टार्ट होगी जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाएगी, उसके बाद हम लोग एक फ्रेश बाय पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये हमारी थी आज की एनालिसिस थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। इस वीडियो पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने के लिए है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन पर जो भी मैंने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स और रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग 50,000 क्रॉस करने वाले हैं, अराउंड 150 सब्सक्राइबर्स और हम लोग दूर है। तो जो भी नए यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी नए लोग हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।